स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा में। आज की जो क्लास है वो ह्यूमन एनाटॉमी की है, मानव शरीर रचना और क्रिया विज्ञान की क्लास है आज। और आज की जो टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। आज पढ़ेंगे मानव पाचन तंत्र के बारे में और जानेंगे कि पाचन तंत्र में मानव पाचन तंत्र के कौन कौन से अंग हैं जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होते हैं और जो डाइजेशन फूड डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। उन सारे पार्ट्स को जानेंगे, उनके नाम जानेंगे, उनके क्या काम हैं और उनकी संरचना कैसी होती है, ये सारी बातों को हम जानेंगे। तो उसके पहले जो भी लोग चैनल पे नए हैं और जो अभी हमसे जुड़े हैं, अगर आपको आयुर्वेद से रिलेटेड या एलोपैथी से रिलेटेड जो भी नॉलेज चाहिए या आप साइंस के स्टूडेंट हो, साइंस के टॉपिक अगर आप जानना चाहते हैं, तो चैनल पे बहुत सारे वीडियो आपको टॉपिक वाइज अलग अलग टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएंगे। जो भी मेडिकल के स्टूडेंट हैं, चाहे वो डी फार्मा के हों या जीएनएम के हों या मेडिकल से रिलेटेड हों या प्रैक्टिशनर हों, ये सारे स्टूडेंट हमको ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे जो भी नॉलेज है आप ले सकते हो। जो भी चीज़ें आपको पूछनी है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो सबकी कन्फ्यूजन को मैं क्लियर भी करता हूँ, सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी जो आयुर्वेद के जो भी टॉपिक हैं, सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज आपके सारी चीज़ें चल रही हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, तो उसी के क्रम में आज की भी क्लास है। आज मानव शरीर रचना और क्रिया विज्ञान का जो टॉपिक है पाचन तंत्र, उसको अच्छी तरह से समझेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छी तरह से समझेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या, तो देखते हैं आज डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम इसको हिंदी में बोलेंगे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र टॉपिक सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि जो भी जो ऐसे स्टूडेंट है जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं वही इस टॉपिक को पढ़ेंगे या आयुर्वेद से बिलोंग करते हैं, एलोपैथी से बिलोंग करते हैं। ये सिंपली जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट, आयुर्वेद फार्मेसी कर रहे हैं उन्हीं के लिए टॉपिक इम्पोर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट जो साइंस के स्टूडेंट हैं, बायो पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए जानते हैं पाचन तंत्र है क्या। अगर पाचन तंत्र की बात करेंगे तो इसमें सभी वो ऑर्गन आ जाते हैं जो हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। तो सभी जो भी अंग हैं भोजन को पचाने में सहायक होते हैं वो पाचन तंत्र का हिस्सा होते हैं, वो पाचन तंत्र कहलाते हैं। हमारे शरीर में अगर देखें तो भोजन तीन प्रकार से पचता है। पहला जो है वो है पाचन, दूसरा अवशोषण और तीसरा जो है जीवाणु के परिवर्तन द्वारा पचता है, जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म कहते हैं भोजन का जो पाचन है और अवशोषण है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, पाचन तंत्र में होता है। जीवाणुओं का जो परिवर्तन है, मेटाबॉलिज्म जिसको बोला जाता है, वो शरीर की कोशिकाओं में होता है। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें भोजन का पाचन होता है और जो जीवाणुओं के परिवर्तन द्वारा जो प्रक्रिया होती है जिसको मेटाबॉलिज्म बोला जाता है, वो हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर होता है। तो आइए जानते हैं पाचन तंत्र के भाग कौन कौन से हैं, कौन कौन से अंग पाचन तंत्र में सहायक हैं और पाचन तंत्र को पाचन की प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए उसमें एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो देखते हैं जो सबसे पहला जो भाग है पाचन तंत्र का, जो पहला भाग है उसे हम आहार नाल कहते हैं। उसे कहते हैं आहार नाल। जो सबसे पहला भाग है उसे कहा जाता है आहार आहार नाल, और इंग्लिश में इसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इंग्लिश में इसको कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल। तो पहला जो भाग है वो है आहार नाल, जिसको इंग्लिश में हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल का क्या काम है, अगर इसको सामान्य भाषा में बोले तो ये पाचन मार्ग है, मतलब भोजन को हमारे सभी पाचन तंत्र तक पहुंचाने का जो मेन काम है वो एलिमेंट्री कैनाल करता है। ये पाचन मार्ग है, भोजन का पाचन जो है इसी मार्ग से होकर के होता है। मतलब कि हम जो फूड लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के माध्यम से ही हमारे पाचन तंत्र तक पहुंचता है। जो एलिमेंट्री कैनाल है हमारे मुख से शुरू होता है, मतलब कि मुंह से शुरू होगा और लास्ट जो एंड पॉइंट है एलिमेंट्री कैनाल का, जिसको एनस कहते हैं, वहां पे जाकर के ये खत्म होगा। इसकी जो पूरी जो लंबाई है अगर उसकी बात करेंगे तो ये 8 से 10 मीटर लंबा होता है।
8 से 10 मीटर लंबा होता है। आहार नाल की अगर पूरी लंबाई अगर हम बोलेंगे तो 8 से 10 मीटर लंबा है, मतलब या हम इसको कहते कह सकते हैं कि 36 फुट जो है इसकी लंबाई है। अगर मीटर बोलेंगे तो 8 से 10 मीटर है, या उस तरह से बोलेंगे तो 36 फुट या लंबा होता है। अब आहार नाल जो है उसके कौन कौन से भाग होते हैं, अगर आहार नाल के भाग देखें, क्योंकि मैं सभी बता दूं आपको, आहार नाल से ही सारे जो अंग हैं वो जुड़े हैं, आहार नाल में सभी जो अंग हैं वो इन्वॉल्व है, क्योंकि यही जो है फूड को पहुंचाने का काम करता है। तो आहार नाल में 5 अंग हैं, आहार नाल से जो जुड़े हुए जो अंग हैं वो 5 हैं। पहला जो है माउथ, जिसको मुंह कहते हैं, दूसरा है ओएसोफेगस, ओएसोफेगस जिसको हिंदी में ग्रास नली कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रास नली। फिर है आपका स्टमक, जिसको आमाशय कहते हैं, आमाशय कहते हैं। तो आप इसको आमाशय या पेट कह सकते हो, लेकिन जो पेट जो है एब्डोमन होता है एक्सटर्नली जो है, और इंटरनली जो है जिसको हम स्टमक या आमाशय कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत, उसी के क्रम में जो 5वां है वो है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम बड़ी आंत बोलेंगे। तो जो आहार नाल के जो एलिमेंट्री कैनाल से जो जुड़े हुए जो भाग हैं, जो अंग हैं, उनके क्रम जो है, क्रम वाइज मैंने सारे अंगों को लिख दिया है। जो पहला जो अंग है माउथ है, दूसरा है ओसोफेगस जिसको ग्रास नली बोला गया, तीसरा है स्टमक जिसको आमाशय कह रहे हैं, चौथा है स्मॉल इंटेस्टाइन और 5वां है लार्ज इंटेस्टाइन। इन्हीं में सारी जो पाचन की प्रक्रिया होती है इन्हीं के अंतर्गत होती है। बारी बारी से सबका मैं कार्य बताऊंगा और सबके स्ट्रक्चर को समझाऊंगा कि किसमें कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा सहायक होते हैं। तो पहला भाग देख लेते हैं, पहला जो है माउथ, माउथ जिसको मुख या मुंह कहते हैं, माउथ पहला जो भाग है वो है माउथ। अगर मुख की बात करें तो मुख में जो भोजन को डाइजेस्ट करने वाले जो भी पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। हमारे मुख में दांत होते हैं जो भोजन को चबाने के लिए और उसको छोटा करने के लिए, टुकड़ों में बांटने के लिए और उसको पीसने के लिए, जिससे आसानी से हम भोजन को निगल सकें, तो दांत बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। जीभ जो होते हैं उसमें सलाइवा जो होता है, जो लार होता है उसको मिलाने का काम करते हैं, और जो जो सलाइवा में जो एंजाइम होता है वो उसका बहुत ज्यादा कार्य होता है, क्योंकि वो जो होता है हमारे भोजन में जो भी कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च है, जो माल्टोज हैं, उनको शुगर में चेंज कर देता है, जिससे वो हमारे शरीर में आसानी से डाइजेस्टेबल हो जाते हैं। तो हमारे लार का हमारे भोजन के साथ बहुत ज्यादा बड़ा संबंध है। तो भोजन को निगलने के लिए आसान बनाने का मतलब कि आसानी से हम भोजन को निगल सकें, तो लार उसमें भी अहम भूमिका निभाता है, और भोजन को पचाने के लिए सहायता प्रदान करने का भी कार्य इसका है। मतलब कि जो हमारे मुंह में जो लार है भोजन को डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, और भोजन को निगलने के लिए आसान बना देता है, जिससे आसानी से हम भोजन को निगल सकते हैं। तो मुंह में जो इम्पोर्टेंट जो भी चीजें हैं, जैसे आपको बताया बहुत सारे एंजाइम हैं, सलाइबा है, हमारे टंग है, हमारा टंग है और हमारे टीथ हैं, तो ये सारे जो पार्ट हैं मुंह के, वो सारी सारे पार्ट मिल करके भोजन को पचाने में बहुत ज्यादा सहायता प्रदान करते हैं, क्योंकि सभी के कार्य अगर एक साथ मिल करके अगर नहीं होंगे तो भोजन को मुख नली से नीचे ले जाने की जो प्रक्रिया है बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो मुख में जो भी भाग उत्पन्न होते हैं वो भोजन को निगलने में आसान बना देते हैं। उसी तरह से अगर दूसरे भाग की बात करें, तो मैंने मुख का कार्य समझा दिया, और जो दूसरा जो भाग है माउथ के बाद से जो दूसरा भाग है उसको ओएसोफेगस कहते हैं, ओएसोफेगस कहते हैं ओएसोफेगस, और हिंदी में इसको हम कहते हैं ग्रास नली, ग्रास
नली, तो ग्रास नली जो है तो होता है, ग्रास नली की, ग्रास नली मतलब कि जो भोजन को नीचे ले जा रही है, तो इस ग्रास नली ओएसोफेगस की जो लंबाई होती है 9 से 12 इंच होती है, 9 से 12। तो ग्रास नली जो है उसका जो लंबाई है 9 से 12 इंच ही होता है, और इसका जो मुख्य कार्य होता है भोजन को पेट तक पहुंचाने का कार्य इसका होता है। और मेन नेक्स्ट जो है वो है स्टमक, स्टमक जिसको हम आमाशय कहते हैं, आमाशय। तो आमाशय का जो कार्य है, आमाशय जो है एक तरह से कहेंगे ये जो भी हम भोजन खाते हैं जब हमारे मुख से होकर के ओसोफेगस ग्रास नली से होकर के जब नीचे की ओर जाता है, तो ये भोजन इसी में इकट्ठा होता है, एकत्रित होता है, भोजन को एकत्रित करने का काम ये करता है। और हमारे स्टमक में बहुत सारे एंजाइम पहले से प्रेजेंट है जो कि फूड को इजीली डाइजेस्टेबल बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो अगर स्टमक में जो एंजाइम है उनकी बात करेंगे तो बहुत सारे एंजाइम हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया भी होते हैं जो मेटाबॉलिक प्रोसेस करते रहते हैं, जिससे भोजन आसानी से पचने के लिए बहुत ज्यादा, बहुत ही सरल प्रक्रिया हो जाती है भोजन को पचाने का इनकी मदद से। तो उसी के क्रम में अगर देखें तो हमारे पेट में एसीएल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, एसीएल प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस। तो हमारे पेट में एसीएल है, गैस्ट्रिक जूस है, इसके अलावा जो भी है बहुत सारे एंजाइम होते हैं। तो माना ये जाता है, या हमारे पेट में जो एसीएल है, गैस्ट्रिक जूस है, वो फूड डाइजेशन में बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। भोजन जब शरीर में जाता है, पेट तक जब पहुंचता है, तो 3 से 4 घंटे तक पेट में फूड जो है स्टोर रहता है, 3 से 4 घंटे तक। और इन्हीं समय में, इसी समय में फूड में एसीएल, गैस्ट्रिक जूस या जो भी चीजें हैं उसमें मिल जाती हैं, उसको अलग अलग पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है, छोटे छोटे पार्ट में वो बढ़ जाता है, और 3 से 4 घंटे में यहाँ पे ये जो फूड है पूरी तरह से एक गाढ़े द्रव में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? गाढ़े द्रव में, जिसको हम काइम कहते हैं, काइम, चाइन या काइम बोला जाता है। ये गाढ़ा प्रोडक्ट जब भोजन 3 से 4 घंटे तक पेट में रहता है, उसमें बहुत सारे एंजाइम मिल जाते हैं, एसीएल या गैस्ट्रिक जूस मिल जाते हैं, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है और एक गाढ़ा द्रव बन जाता है, तो उस गाढ़े द्रव को काइम या चाइम या काइम बोला जाता है। 3 से 4 घंटे तक पेट में फूड जो है स्टोर। तो तीन जो भाग थे उसका काम मैंने बता दिया। अब जो चौथा है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्ट टाइम, जिसको हम छोटी आंत कहते हैं, हिंदी में कहते हैं हम छोटी आंत। तो छोटी आंत का क्या कार्य है? तो जैसा कि मैंने बताया, स्टमक में जो गाढ़ा प्रोडक्ट बन गया है, जो 3-4 घंटे तक था, वो जो पूरी तरह से गाढ़ा प्रोडक्ट बन गया है, अब वह जो गाढ़ा प्रोडक्ट है छोटी आंत को दे दिया जाता है। छोटी आंत में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो वहां पे पूरी तरह से उस काइम को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। और सबसे मेन जो टर्म होता है छोटी आंत का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, छोटे छोटे वेसल्स के रूप में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसको विल्ली कहते हैं, विल्ली। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है, उंगली जैसी जो संरचना होती है, वो आंत के दीवार में अंदर की ओर होती है, और जिसका जो संपर्क है डायरेक्टली ब्लड से होता है। तो जो ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो उसमें जो भी न्यूट्रिशनल वाले जो भी प्रोडक्ट हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, उनको पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और एब्जॉर्ब करके ब्लड में छोड़ दिया जाता है, और ब्लड पूरे पार्ट में इसको पहुंचाता है। जो चीजें स्टोर करने वाली हैं उसको बॉडी स्टोर कर लेता है, बाकी सारी चीजें, एनर्जी है या जो भी चीजें हैं, वो हमारे काम में आ जाती हैं, सारी चीजें खपत हो जाती हैं। उसी के क्रम में अगर हम यहाँ पे देखें तो जो मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है वो भी यहाँ पे होती है, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस यहाँ पे होती है। जो बैक्टीरिया है, जो सेल में फूड के जो भी पार्टिकल्स हैं उनको छोटे छोटे ब्रेक डाउन करके सेल को जो देते हैं एनर्जी हो या जो भी जरूरी चीजें हैं जो यहाँ से मिलती हैं, तो मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे पूरी हो जाती है। यहीं पे पैनक्रियाज से जो पैनक्रियाटिक जूस है, पैनक्रियाटिक
जूस, लीवर का बाइल जूस, लीवर का बाइल जूस और इंटेस्टाइन का इंटेस्टाइनल जूस, जिसको हिंदी में आमाशयी रस भी कहा जाता है। तो ये सारे जो रस हैं भोजन में यहीं पे मिला दिए जाते हैं, सारे जो रस हैं इसी में मिल जाते हैं। उसके बाद से जो इंटेस्टाइनल जो जूस है, जिसको आतरस या आमाशयी आतरस जिसको बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस जिसको आतरस बोला जाता है, वो जो भोजन में जो कार्बोज होता है, भोजन में जो कार्बोज है, जो शुगर है, उसको ग्लूकोज में चेंज करने का काम करता है। तो जो इंटेस्टाइनल जूस है, फूड में जो भी कार्बोज है और ग्लूकोज है, उसको शुगर में चेंज कर देता है, जिससे वो आसानी से हमें डाइजेस्टेबल हो जाए, आसानी से वो डाइजेस्ट हो जाए, और यहाँ पे इसकी भूमिका खत्म हो जाती है। उसके बाद से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बचते हैं, जो पूरी तरह से पचे हुए नहीं है, अपचा जो भोजन है, वो अगली प्रक्रिया के लिए लार्ज इंटेस्टाइन को दे दिया जाता है। जब छोटी आंत का कार्य खत्म हो जाता है, तो जो भी अपचा पदार्थ छोटी आंत में बचता है, तो उसको बड़ी आंत को भेज दिया जाता है, जिससे बड़ी आंत उस अपचे पदार्थ को लेकर के पाचन प्रक्रिया का जो बचा हुआ कार्य है उसको पूरा करता है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन जिसको बड़ी आंत बोला जा रहा है, बड़ी आंत हिंदी में बड़ी आंत कहते हैं इसको, तो बड़ी आंत का कार्य क्या है? बड़ी आंत क्या करता है? इसकी जो लंबाई होती है, ये 1.5 से 1.5 मीटर लंबी होती है। इसकी जो लंबाई है 1.5 मीटर लंबी है, 1.5 मीटर लंबी होती है, या हम इसको कह सकते हैं कि ये 5 फीट, 1.5 मीटर लंबी, अगर फीट में बोलेंगे तो 5 फीट हो जाएगी लंबाई इसकी। तो मीटर में 1.5 मीटर लंबी होती है और फीट में 5 फीट के लगभग इसकी लंबाई होती है। उसी के क्रम में इसमें जो है, जो अपच भोजन है, जो पूरी तरह से अवशोषित नहीं हो पाया था स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो यहाँ पे उसको पचाया जाता है। और इसमें विभिन्न प्रकार के भाग होते हैं, जिसमें भोजन को रखा जाता है, अलग अलग स्टेप में भोजन को रखा जाता है। अगर इसके भागों की बात करें, लार्ज इंटेस्टाइन में कितने भाग होते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन के 4 भाग हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के 4 भाग हैं। इसके चारों भागों को देख लेते हैं, कौन कौन से भाग हैं। अगर लार्ज इंटेस्टाइन के भागों के कहते हैं CEA CUM, पहला जो भाग है उसको हम कहते हैं सीकम, दूसरे भाग को हम कहते हैं कोलोन, दूसरा जो भाग है उसको कहते हैं कोलोन। इनकी भी भूमिका है पाचन प्रक्रिया में। लार्ज इंटेस्टाइन के ये सारे भाग हैं। तीसरा है जिसको हम रेक्टम, इंग्लिश में कहते हैं रेक्टम, हिंदी में कहते हैं मलाशय। फिर जो नेक्स्ट है, जो लास्ट जो पार्ट है, उसको हम कहते हैं गुदा द्वार या एनल कैनाल। गुदा द्वार चौथा जो है, गुदा द्वार या एनल कैनाल बोला जाता है, एनल कैनाल जिसको हम गुदा द्वार कहते हैं, गुदा द्वार। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है, उसका जो काम है, जो अपचा भोजन था स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको पचाने का कार्य इसका होता है। तो इसमें भी 4 भाग होते हैं, जिसको हम सीकम बताए हैं। पहला जो है सीकम है, दूसरा है कोलोन, तीसरा रेक्ट। फूड डाइजेशन में अहम भूमिका निभाते हैं। और कुछ जो लास्ट वाला जो पार्ट है, जिसको एनल कैनाल बोलते हैं, यहाँ से जो उत्सर्जी पदार्थ है, जो फेसेस है, मल है, उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और सीकम का काम क्या है? जो भी पदार्थ, जो अपचे जो पदार्थ है, डायरेक्टली जब उसका एब्जॉर्प्शन, जो भी पानी है, मिनरल्स है, जब पूरी तरह से अवशोषित हो जाते हैं, तो अगली प्रक्रिया के लिए सीकम को वो चीजें दे दी जाती हैं। सीकम के बाद से वो प्रोसेस, जो उसके बाद से जो चीजें बच रही हैं, फिर कोलोन के द्वारा होती है, फिर बचा हुआ जो वेस्ट है, जो पूरी तरह से व्यर्थ है, शरीर से निकालना है, जिसको वर्ज्य पदार्थ या फेसेस कहते हैं, वो मलाशय में चला जाता है। वहां से मलाशय में वो इकट्ठा होता रहता है। फिर मलाशय के बाद एनल कैनाल के रास्ते गुदा द्वार द्वारा इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी ऑर्गन थे, जिनका काम समझना था आपको, मैंने पूरी तरह से उसको समझा दिया। तो
तो जो भी अगर कंफ्यूजन आपको रह जाती है, आपको कुछ टॉपिक्स में से, इस टॉपिक में से जो चीजें नहीं समझ में आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये चीज नहीं समझ में आई, आपको ये जानना है, तो मैं उस पर फिर से आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि आपको जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन है इस चैनल के माध्यम से आप सभी को दिया जाए। और इसी वीडियो के क्रम में फिर से मैं आप सभी के बीच में जल्द ही आऊंगा। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो लीवर है और पेनक्रियाज है, इनके सारे काम मैं आप सभी को समझाऊंगा कि ये लीवर है और पेनक्रियाज जो है इनका काम क्या है, हमारे फूड डाइजेशन में ये कैसी भूमिका निभाते हैं, ये सारी चीजें आप सभी को बताऊंगा।